एपिसोड 535, बच्ची या मुसीबत। उस लड़की कुहू के बारे में कई सारी चीजें ध्रुव के दिमाग में घूमी थी और उन सबको आपस में जोड़ते हुए ध्रुव को अचानक से उससे मिलने की जरूरत महसूस हुई और वो वापस महल की तरफ भागा। उसके इस बर्ताव से उसके दोस्त हैरान थे। छलावा ने कहा, क्या हो गया इसे? विकी बोला, ये तो हमें उससे मिलकर ही पूछना पड़ेगा। मुझे लगता है हम लोगों को भी ध्रुव के पीछे ही चलना चाहिए। अनन्या ने कहा, जाहिर सी बात है हम उसके पीछे ही जाएंगे, चलो। इतना कहकर सब ध्रुव के पीछे ही भागे, लेकिन ध्रुव तो अपनी ही धुन में आगे बढ़ते जा रहा था। महल पहुंचते ही ध्रुव का सामना करुण और कुशल से हुआ। वो दोनों किसी जरूरी कागज को लेकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। ध्रुव ने पूछा, कंचन कहाँ है? कुशल बोला, कंचन शायद बगीचे की तरफ होगी, क्यों क्या हुआ? ध्रुव ने कहा, नहीं कुछ नहीं, मुझे काम था उससे। इतना कहकर ध्रुव बगीचे की तरफ बढ़ा। उसके पीछे बाकी सभी महल में आए और रूप ने इधर उधर देखते हुए पूछा, ध्रुव आया था क्या? करुण बोला, हाँ आए थे और कंचन के बारे में पूछ रहे थे। हुआ क्या है? वो आकर कंचन के बारे में पूछ रहे थे, आप लोग आकर ध्रुव के बारे में पूछ रहे हैं, सब ठीक तो है? रूप ने कहा, सब ठीक है, लेकिन अभी ध्रुव कहाँ गया है? कुशल ने कहा, बगीचे में, कंचन वही है ना? रूप और बाकी सब तुरंत बगीचे की तरफ भागे। करुण और कुशल एक दूसरे का मुंह देखते ही रह गए। उन्हें समझ में नहीं आया क्या कर यहाँ चल क्या रहा है और एक बार फिर वो अपने कागज पाथर में उलझ गए। जब सब बाहर आए तो उन्होंने देखा ध्रुव अकेला बगीचे में खड़ा है और हैरानी से इधर उधर देख रहा है। छलावा बोला, क्या हुआ ध्रुव, ये तो बताओ, और तुम कंचन के पीछे यहाँ आए थे ना? कंचन कहाँ है? ध्रुव ने कहा, वही तो, मुझे नहीं पता कि कंचन कहाँ है। कुशल ने बताया था कंचन यही होगी, लेकिन मुझे कंचन यहाँ कहीं नहीं दिख रही है। रूप ने कहा, तुम पहले मुझे बताओगे कि चक्कर क्या है? तुम उस बच्ची के बारे में बात कर रहे थे, तुम उससे मिलने के नाम पर यहाँ आए हो, हुआ क्या? क्या समझ रहे हो तुम, जरा क्लियरली बताओ ताकि हम लोगों को भी समझ में आए। ध्रुव ने कहा, वो बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं है रूप, हम लोग अनजाने में बहुत बड़ी मुसीबत को अपने साथ ले आए हैं। मैं कह रहा था ना, मैं किसी नेगेटिव सोर्स को बहुत स्ट्रांगली फील कर पा रहा हूँ। वो नेगेटिव सोर्स कहीं और से नहीं बल्कि उस बच्ची से ही आ रही थी। अनन्या बोली, ये कैसी बात कर रहे हो, एक मामूली सी बच्ची तुम्हें नेगेटिव सोर्स का हिस्सा लग रही थी, ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने देखा भी है उस बच्ची की हालत, बेचारी रो रो कर अधमरी हो गई थी, कितनी डरी सहमी सी है वो। ध्रुव ने कहा, मैं तुम लोगों को इस वक्त कुछ नहीं समझा सकता हूँ, फिलहाल मेरा उस बच्चे से मिलना बेहद जरूरी है। अगर तुम लोग कुछ कर ही सकते हो तो उस बच्ची को ढूंढो, न कि सवाल जवाब करके समय बर्बाद करो। मैं जा रहा हूँ कंचन को और उस लड़की को ढूंढने। इतना कहकर ध्रुव जैसे ही पीछे पलटा, कंचन की चीख से पूरा माहौल गूंज गया। रूप घबरा कर बोली, ये तो कंचन की आवाज है। तारा बोली, आवाज तो कंचन की है, लेकिन कंचन है कहाँ? रूप ने ऊंची आवाज में कहा, कंचन कहाँ हो तुम? रूप की आवाज आई, लीला मैं यहाँ हूँ ऊपर, मुझे बचाओ। कंचन की आवाज से सब ऊपर की तरफ देखने लगे कि आखिर ये आवाज कहाँ से आ रही है, और उनकी नजर महल के सबसे ऊपरी हिस्से पर गई जहाँ पर कौतुब साम्राज्य का पताका लगा हुआ था। उनकी नजर जैसे ही वहां गई सब एक साथ चीख पड़े, क्योंकि वहां पर कंचन उल्टी लटकी हुई थी एक पतली रस्सी के सहारे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कभी भी नीचे गिर जाएगी। कंचन को इस तरह से देखकर रूप चीखती हुई बोली, कंचन तुम यहाँ कैसे पहुंची? विक्की ने कहा, ये क्या पूछ रही हो कि वो कैसे पहुंची? वो जरूरी नहीं है अभी उसको नीचे उतारो, वरना एक सेकंड की भी देरी हुई और वो नीचे गिर गई तो वहां से सीधा ऊपर जाएगी। रूप घबरा कर बोली, हाँ हाँ मैं कुछ करती हूँ, क्या करूँ मैं? इधर उधर देखकर रूप नर्वस होने लगी। ध्रुव तुरंत भागता हुआ वापस आया और बोला, तुम इस तरह से नर्वस क्यों हो रही हो? तुम भूल गई तुम एक जादूगरनी हो? रूप घबराती हुई और उसी तरीके से नर्वसनेस के साथ बोली, हाँ मैं जादूगरनी हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ मैं? ध्रुव ने रूप की आंखों में देखते हुए कहा, रूप तुम कौन हो भूलो मत, तुम साम्राज्य की राजकुमारी हो, तुम्हारे लिए अपनी सहेली को बचाना एक सेकंड का काम है, तुम इतनी नर्वस क्यों हो रही हो? जाने ध्रुव की नजरों में क्या था, एक पल में ही रूप की सारी गई कॉन्फिडेंस वापस आ गई और रूप ने अपना हाथ आगे किया और एक रोशनी से निकलकर कंचन की तरफ बढ़ी और उसके इर्द गिर्द एक जाल सा बनने लगा और कुछ ही देर में उस जाल में लिपटी हुई कंचन नीचे आकर जमीन पर खड़ी हो गई। उसे वापस धरती पर देखकर सबने अपने सिर पर हाथ रखा और राहत की सांस लेकर बोले, बताओ एक सेकंड में ये उसे नीचे ला सकती थी, लेकिन फिर भी ऐसे नर्वस हो रही थी, हमारे तो हाथ पांव ही फूल गए थे। रूप अपना पसीना पोंछती हुई बोली, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रही थी कंचन को ऐसे मुसीबत में देखकर। ध्रुव ने तुरंत कंचन को जाल से अलग किया। कंचन भागकर रूप के नजदीक आई और रूप के गले लगकर सिसक सिसक कर रोने लगी। कुछ देर तक दोनों इसी तरीके से गले लगे रहे और फिर जब दोनों नॉर्मल हुए तब तारा ने कहा, रूप संभालो अपने आप को,
कंचन बिल्कुल ठीक है, तुम बिना मतलब ऐसे नर्वस हो रही थी। तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी उसे ऊपर से नीचे लाना, बल्कि तुम्हारे लिए ये बहुत मामूली चीज थी। फिर भी तुम अगर ऐसे नर्वस होगी तो तुम अपने साम्राज्य को कैसे संभालोगी? भूलो मत कि यहाँ की जिम्मेदारी अकेले तुम्हारे कंधे पर है, संभालो अपने आप को। कंचन रूप का हाथ पकड़ते हुए बोली, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। दरअसल जब लीला की माँ इस दुनिया से गई, उस वक्त लीला काफी छोटी थी और जैसी परिस्थिति में उन्होंने दम तोड़ा था, लीला चाहकर भी कुछ कर नहीं पाई थी। उसके बाद से ऐसी चीजें उसके साथ होती है, जब भी अपने किसी करीबी को एकदम से मुसीबत में देखती है तो ये जैसे बिल्कुल ही हिप्नोटाइज हो जाती है। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति नहीं रहती है इसमें, बहुत ज्यादा नर्वस हो जाती है। अगर अभी तुम लोग यहाँ नहीं होते और इसे कॉन्फिडेंस नहीं देते तो ये अभी यहाँ बेहोश गिरी हुई होती, ना कि मुझे बचा सकती। छलावा आगे आया और उसने रूप के कंधे को दोनों तरफ से थामा और हल्का सा दबाते हुए कहा, हम लोग हैं ना, अब से कभी घबराएगी नहीं, और घबराएगी तो हम हैं ना। रूप ने भीगी हुई नजरों से छलावा की तरफ देखा, इससे पहले कि उसके आंसू आंखों से निकल कर गाल पर लुढ़कते, छलावा ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, ये वक्त रोने का नहीं है, मैं हूं ना। रूप छलावा की आंखों में एकटक देख रही थी, वो साफ देख सकती थी कि छलावा की नजरों में उसके लिए कितना प्यार था। इससे पहले कि रूप छलावा को कुछ कहती, ध्रुव ने कहा, ये सब तो ठीक है, लेकिन ये बताओ कि कंचन ऊपर लड़की कैसे, और कंचन वो लड़की कहाँ है, वो बच्ची जिसे हम तुम्हारे पास छोड़कर गए थे? कंचन बोली, मुझे नहीं पता, मैं उसी के पीछे तो यहाँ तक आई थी। जब मैं यहाँ आई तो बच्ची मुझे कहीं दिखी नहीं, और फिर एकदम से वो मुझे महल की छत पर दिखी। मैं हैरान हो गई कि वो बाहर की तरफ भागी थी, तो वो महल की छत पर कैसे पहुंची? वो छत की रेलिंग पर चल रही थी और मेरी तरफ देखकर हंस रही थी। मुझे डर लगने लगा कि कहीं वो गिर ना जाए। मैंने उसे उतरने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी, बल्कि वो और तेजी से रेलिंग पर चलने लगी, और घबराहट के मारे मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, तो फिर मैं भी उसके पीछे छत की तरफ भागी। ध्रुव ने पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? कंचन बोली, हैरानी की बात यह थी कि जब मैं छत के ऊपर गई तब वो छत पर नहीं थी, तब वो मुझे नीचे यहीं इसी जगह बगीचे में खड़ी नजर आई, और वो अजीब तरीके से ताली बजा बजा कर हंस रही थी। उसका व्यवहार मुझे डरा रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। रूप बोली, लेकिन कंचन तुम ऊपर नीचे क्यों कर रही थी? तुम चाहती तो यहीं से उसे रोक सकती थी। कंचन बोली, वही तो लीला, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा जादू उस पर काम नहीं कर रहा था। मैंने कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सारी जादुई शक्तियां कहीं खो गई हैं। रूप ने कहा, लेकिन तुम ऊपर लटकी कैसे? कंचन ने कहा, मैं जब ऊपर गई और वो बच्ची मुझे नीचे नजर आई, तब मैंने ऊपर से उसे पकड़ने की कोशिश की। जब मैंने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वो शक्तियां उस पर काम नहीं की, बल्कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं पीछे की तरफ ही जा रही हूँ, और मैं एकदम से जमीन पर गिरी, और मुझे लगा किसी ने पूरी शक्ति के साथ मुझे पीछे की तरफ घसीटना शुरू किया हो। मैंने लाख कोशिश की, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाई, और फिर देखते ही देखते मैं महल के पताके वाले हिस्से में जाकर लटक गई। मैंने बहुत चीखा, बहुत आवाज लगाई सबको, लेकिन शायद कोई मेरी आवाज ही नहीं सुन पा रहा था। ये सब सुनकर रूप हैरान रह गई, और बाकी सब घबराए हुए थे सिवाय ध्रुव के। ध्रुव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। कंचन ने जब उन लोगों को चुप देखा तो उसे लगा कि शायद इन लोगों को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। कंचन बोली, मेरा यकीन करो आप लोग, मैं सच कह रही हूँ। लीला एक बात कहूँ, वो बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं लगी मुझे, कुछ तो बहुत अजीब था उसमें। ध्रुव बोला, क्योंकि वो बच्ची कोई बच्ची थी नहीं। कंचन घबरा कर बोली, वो बच्ची नहीं थी मतलब? उसे आप लोगों ने ही तो मेरे पास छोड़ा था ये कहकर कि मैं उसका ध्यान रखूं, वो बहुत डरी हुई है, और अब आप कह रहे हैं कि बच्ची नहीं थी? रूप ने कहा, कंचन तुम पहले अपने आप को संभालो। ध्रुव के कहने का मतलब यही है कि हम उसे एक मामूली बच्ची समझकर ही यहाँ लाए थे। हमें लगा साम्राज्य में जो शैतानी क्रियाएं हो रही है उस बच्ची को उन सबसे कहीं ना कहीं लेना देना है। मैं नहीं जानती कि अगर ऐसा कुछ है तो वो बच्ची हमारे साथ यहाँ तक क्यों आई, और अगर हमारे साथ आई तो फिर एकदम से तुम्हें डरा कर तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत करके वो गायब कहाँ हो गई? क्योंकि अगर वो यहाँ आई है तो बेफजूल तो वो यहाँ नहीं आई होगी ना, किसी मकसद के तहत ही आई होगी। यहाँ आने का उसका मकसद क्या था? अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे साथ इस तरह आंख मिचौली खेलने के अलावा और कुछ ऐसा हुआ था उस बच्ची के बारे में जो तुम्हें याद हो? कंचन कुछ सोचते हुए बोली, नहीं ऐसा तो मुझे कुछ याद नहीं है, वो मेरे साथ भीतर ही थी, मैं उसे कुछ खिला रही थी, लेकिन तब तक पुष्पक आ गए और पुष्पक को देखकर वो उठकर बाहर भाग गई, और फिर मैं उसके पीछे आई, और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो मैंने तुम लोगों को बताया ही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। ध्रुव ने रूप से कहा, रूप एक बात बताओ, जब हम इस बच्चे के घर के पास गए थे वहां जो लोग जमा थे, क्या हम उनसे फिर से मिल सकते हैं एक बार? रूप ने कहा, लेकिन क्यों, उन लोगों से मिलकर क्या होगा? देखो वो पहले ही बहुत घबराए हुए हैं, और एक बार फिर उन लोगों से मिलकर इस तरह की बातें करना उन लोगों को और मुश्किल में डालने जैसा नहीं होगा।
ध्रुव ने कहा, तुम परेशान मत हो, हम शैतान या उसके नुमाइंदों से जुड़ी कोई बात नहीं करेंगे, ना ही काले जादू के बारे में कोई बात करेंगे। मुझे सिर्फ इस लड़की के बारे में जानना है क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है। अगर वो सही है तो बहुत बड़ी मुसीबत कौतुब साम्राज्य के भीतर आ चुकी है, इसी ने मेरा इस लड़की के बारे में जानना बेहद जरूरी है। रूप ने हाँ में सिर हिलाया और बोली, चलो। ध्रुव बोला, सिर्फ मैं और तुम जाएंगे, इतने सारे लोगों को देखकर उन लोगों को जवाब देना भी मुश्किल लगेगा और मैं भी सही से उनसे सवाल नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए मेरे साथ सिर्फ तुम चलो। रूप ने हाँ में अपना सिर हिलाया और ध्रुव ने अपने दोस्तों से कंचन का ध्यान रखने को कहा और रूप के साथ बाहर चला गया।